महाराजा सुहेल जिनका 16 फरवरी को जन्मदिन है और इस जन्मदिन को उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं केंद्र सरकार भी बड़े जोरों शोर से मनाने जा रही है। 16 फरवरी को श्रावस्ती के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के सम्मान में एक कार्यक्रम का भी आयोजन होना है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से शामिल होंगे तो वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 16 फरवरी को महाराजा सुहेल देव को सम्मान देने के लिए जनपद में भी कार्यक्रम का आयोजन होना है और महाराजा सुहेल देव के जहां जहां भी मूर्तियां हैं वहां पर पुलिस विभाग के द्वारा बैंड बजाने का काम किया जाएगा। ऐसे में हम गाजीपुर के सोनहरिया बन के पास महाराजा सुहेल देव के पार्क के पास है जहाँ पर एक विशालकाय मूर्ति आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो सन 1999 में तत्कालीन गाजीपुर के सांसद ओम प्रकाश सिंह ने जो है इस मूर्ति के निर्माण के लिए जो शिलान्यास किया था और यह करीब अगले 5 से 7 सालों के बाद जो है यह मूर्ति बनकर तैयार हुई और यह पार्क जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है और इसमें इस पार्क में के लिए एक बड़ा भूभाग छोड़ा गया था ताकि यहाँ के आसपास के लोगों को खासकर जो राजभर समाज के लोग की अगर बिटिया की शादी हो या कोई उनका मांगलिक कार्य हो तो उस मांगलिक कार्य में के आयोजन में लोग जो लोग बाहर से आते हैं उनके रुकने की एक व्यवस्था हो और एक रूम भी बनाया गया जिसे बनाया गया ताकि लोग अगर बारिश का मौसम या ठंडे का मौसम हो तो उसमें रुक सके और पूरे अपने कार्यक्रम का जो है निर्वहन कर सके। पार्क की स्थिति अगर देखा जाए तो पार्क में यहीं के आसपास के लोगों खासकर अगर हम बात करें तो इसी राजभर समाज के लोगों ने जो है इस पार्क को जो है एक मतलब गौशाला बना दिया है यानी कि यहाँ पर अपने भैंस को गाय को उपले पाथना शुरू कर दिए हैं। हम बात करेंगे यहीं पर कुछ लोग हैं और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के से जो है राजभर समाज से जुड़े हुए प्रेम शंकर जी हैं हम इनसे प्रेम सागर जी हैं हम इनसे बात करेंगे और महाराजा सुहेल देव के इस मूर्ति के बारे में जानेंगे कि महाराजा सुहेल देव की जो ये मूर्ति है कब बनी और क्या है इसकी कहानी और जो 16 फरवरी का जो ये कार्यक्रम है उसको लेकर ये क्या कहेंगे जी जो ये मूर्ति है इसके बारे में क्या बतलाएंगे। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव की जो मूर्ति विशालकाय मूर्ति बनी है इसके पीछे की कहानी यह है कि इस देश में जब मुस्लिम आक्रांताओं का साम्राज्य था हिंदुओं का पतन हो रहा था सारे हिंदू मठ और मंदिरें तोड़े जा रहे थे उस समय राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव ने देश की तमाम हिंदू राजाओं को संगठित करके उन आतताइयों के खिलाफ लड़ने का काम किया उनको इस देश से निकालने का काम किया। और मैं आपको बताऊं इससे जो है कुंपित होकर क्रोधित होकर अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद गजनी का सेनापति सलार जो है बहराइच पर अपनी 5 लाख की फौज को लेकर इनकी हिंदुत्व नीति को और राष्ट्रवादी नीतियों को दबाने के लिए इनके ऊपर अकारण आक्रमण करता है। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव बड़ी निर्भीकता के साथ अन्य राजाओं का सहयोग लेते हुए बड़ी निर्भीकता के साथ उसका सामना करते हैं और उनका सम्मान यदि देश में बढ़ा है और हमारा समाज उपेक्षित हो गया लड़ते लड़ते मेरे समाज का इतिहास कहीं भी दिखाई नहीं देगा कि हमने कभी किसी भी आक्रांताओं के बस में आकर या अपने अधीनता स्वीकार करके हमने जो है अपने धर्म को बदल करके मुस्लिम मेरे समाज का एक भी व्यक्ति मुसलमान नहीं बना। हम जो भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं सहने लगे जंगलों में रहने लगे मछलियां पकड़ने लगे। मैं एक बात आपको बताऊं कि उसकी 5 लाख की फौज को राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव ने इतनी बहादुरी से लड़ा कि अफगानिस्तान में गजनी को समाचार देने के लिए केवल 3 लोग बचे थे जो जाकर यह बताए कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव की सेना ने हमारी सारी सेना ऐसे में अगर हम बात करें इस मूर्ति की तो इस मूर्ति को या महाराजा सुहेल देव को जो उत्तर प्रदेश सरकार अब सम्मान देने जा रही है तो इसी अपने ही जनपद में इसी राजभर समाज के नाम पर राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर जी भी है जो यहाँ से विधायक भी हुए मंत्री भी हुए तो क्या वो इस मूर्ति को देखने के लिए या अपने समाज से मिलने के लिए कभी क्या इस जगह पर कभी आज तक आ पाए हैं या क्या हो पाया। देखिए महापुरुषों का सम्मान करना और जात की राजनीति करना दो अलग अलग बात है। जात की राजनीति में केवल अपनी मनोकामना सिद्ध होती है अपनी स्वार्थ सिद्ध होता है
और महापुरुषों का सम्मान के लिए, तो भाई समाज का निर्माण करने की बात करनी पड़ेगी, केवल वोट की बात नहीं करनी पड़ेगी। यानी कुल माना जाए कि ओम प्रकाश राजभर जी कभी अभी यहाँ आए नहीं है, कभी नहीं आए हैं। ऐसे में अब 16 फरवरी को जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर आपका राजभर समाज या भारतीय जनता पार्टी कितना उत्साहित है? पूरे प्रदेश के राजभर समाज लगभग लगभग 46 जिलों में कम बेसी राजभरों का जनसंख्या है, और हर जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर, अन्य सहयोगियों के साथ हर जिले में बैठक हो रहे हैं, जिसके एवज में गाजीपुर में भी बैठक। राजनीति की बात छोड़ दिया जाए तो प्रदेश सरकार महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने की बात कर रही है, और यह सम्मान सिर्फ महाराजा सुहेलदेव का सम्मान नहीं बल्कि एक राजभर समाज का सम्मान है। लेकिन राजभर समाज के सम्मान की अगर हम बात करें तो यह जो पार्क आप देख रहे हैं जिसके 40 लाख लागत से तत्कालीन सांसद को द्वारा बनवाया गया था, लेकिन यह पार्क भी आज उपेक्षा का शिकार हुआ है, कह सकते हैं एक तरह से अवैध कब्जा किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? रही बात उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार की, बात दोनों, दो प्रश्न आपने पूछ दिया, तो मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव शुद्ध राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। पिछली देश की आजादी के बाद जो भी सरकारें चली इनके नाम का कहीं चर्चा नहीं था, न किसी ने वाजिब समझा कि ऐसे महापुरुषों का नाम लिया जाए। जब राष्ट्रवादी विचारधारा की केंद्र में सरकार बनी, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, तो उन्होंने राजभर समाज के सम्मान में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाजीपुर से दिल्ली तक चलवाया। उनके नाम पर उन्होंने स्वयं गाजीपुर में आकर डाक टिकट जारी करवाया। योगी सरकार जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने राजभरों के सम्मान में, ये कौम जो है टूट गया लेकिन झुका नहीं, अपने को खो दिया लेकिन देश के नाम पर ये कभी झुका नहीं है यह समाज, इसके सम्मान में 16 फरवरी को बहराइच में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में वर्चुअल सम्मेलन को माननीय मोदी जी बहुत से विकास के, उनके नाम पर विकास के कार्यों का शिलान्यास करेंगे, वर्चुअल संबोधित भी करेंगे और मंच पर माननीय योगी जी रहेंगे। रही बात इस पार्क की, ऐसे में अभी जो बात हुई 16 फरवरी को लेकर, इन्होंने बतलाया कि किस तरह से महाराजा सुहेलदेव का सम्मान होना है, सम्मान तो होना है प्रधानमंत्री के द्वारा, सम्मान होगा मुख्यमंत्री योगी के द्वारा, लेकिन जो इस समाज के लोग हैं, राजभर समाज के लोग अपने महाराजा सुहेलदेव का कितना सम्मान करते हैं, इस बात को हम यहाँ के एक स्थानीय पत्रकार राम मनोज जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो पार्क बना महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने के लिए, तो यहाँ के उनके समाज के लोगों ने उनको कितना सम्मान दिया, क्या बतलाएंगे इस पार्क के बारे में, कितना महाराजा सुहेलदेव को लोग, उनके समाज के लोग कितना सम्मान दे पा रहे हैं? रही बात सम्मान की, तो निश्चित रूप से जिसको जानकारी है वह तो सम्मान देता है, इसमें कहीं से दो राय नहीं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं वो कितना सम्मान देंगे, वो जो अपने को नहीं जो जान पाता है वो दूसरे को सम्मान क्या देगा, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं निश्चित रूप से इनका सम्मान करते हैं, इसमें कहीं से शंका नहीं है। ऐसे में आपके पीछे देख भी रहे हैं कि जो पार्क है उसमें बहुत सारे लोग का एक तरह से कहा जाए कब्जा है, भैंस बंधा हुआ है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जी निश्चित रूप से इस बात को कहूंगा कि यहाँ जो यह पार्क है, पिछले तत्कालीन मंत्री जी ने इस पार्क का उद्घाटन किया, 40 लाख से ऊपर का यहाँ धन खर्च हुआ, इसमें जो सामने है दिख रहा है, पार्क के नाम पे सिर्फ अवैध कब्जा नहीं कहा जा सकता लेकिन उसका दुरुपयोग निश्चित कहा जा सकता है। यह अपेक्षा और इसकी सारी जिम्मेदारी इस सरकार की होगी, सरकार सिर्फ कागज में और कहने को तो दिखावा हो रहा है कि नहीं हम महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूरे गाजीपुर जनपद में हमारे जानकारी के हिसाब से मात्र मूर्ति के नाम पर यही मूर्ति है जो सोनहरिया सुहेलदेव पार्क के नाम से कागज में रजिस्टर दर्ज है, जिसके नाम पे पिछले सरकार ने बहुत खर्च भी किया, लेकिन इस सरकार में यहाँ एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ, और जो मौके पर जमीन या पार्क के नाम पे तत्कालीन व्यवस्था है उसको देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं इसको निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाने का काम सुहेलदेव जी के ही समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में हमने महाराजा सुहेलदेव को 16 फरवरी को जो कार्यक्रम हो रहा होना है उसके बारे में जानने का प्रयास किया, लेकिन जो सबसे बड़ी एक समस्या है कि महाराजा सुहेलदेव का जो यह मूर्ति है वो जिला मुख्यालय से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है, और इस रास्ते यहाँ पर आने के लिए जो रास्ता है उन रास्तों की अगर हम बात करें तो मतलब अगर एक बार जो आ जाएगा
वो दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिर क्या है इस रास्ते की कहानी, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जब पिछली बार ओम प्रकाश जी मंत्री हुआ करते थे तभी यह रास्ता सोनहरिया को जोड़ने का उन्होंने बनवाया था, उसके बाद इस रास्ते पे एक कंकड़ रखने का भी इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। चाहे वो विधायिका जी हों या पिछली बार मनोज सिन्हा जी सांसद रहे, उनसे भी लोगों ने कई बार इस बात को रखा। हमारे जिले के, हमारे गांव के ही इस भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं पिछड़ा वर्ग के प्रेम सागर जी, सभी लोगों ने प्रयास किया कि इस रास्ते को मरम्मत कर दिया जाए, लेकिन एक एक रुपये की फूटी कौड़ी भी इस रास्ते पे नहीं लगाया गया, कागजों में भले पैसा उतार लिया गया हो। जैसा कि राम मनोज जी ने बताया कि महाराजा सुहेलदेव को भले ही 16 तारीख को सम्मान देने की बात हो, लेकिन उनका असली सम्मान जब यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री या अन्य जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो उनके नाम पर जो यहाँ तक आने, सड़क आने के लिए जो सड़क है या पार्क है, इसका फिर से जीर्णोद्धार कर दिया जाए, सड़कों का निर्माण कर दिया जाए, तो महाराजा सुहेलदेव को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एमएमसी न्यूज पर हम आपको इसी तरह के खबरों को पेश करते रहेंगे। आप हमारे खबरों को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें।